उम्मीद करता हूँ कि ये सारी सीरीज, पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। कहाँ एपिसोड ख़त्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, ये मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है क्योंकि मैं तो लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए, करने के लिए। आप जब सोलो ट्रैवल करते हो तो चार पांच चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आपको समझ में नहीं आता जब आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अगर ड्राइवर आपके साथ है या कैमरा पर्सन आपके साथ है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ें भी होती हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रुकना पड़ता है। तो मैं ये ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ कि एपिसोड कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। कोशिश करूँगा कि मैं इसको अलग तरीके से क्रिएट करूँ और क्रिएट करके फिर जब आप देखें तो आपको अच्छा लगे। मैं तो डेली ही डालूँगा इसको, मैं डेली ब्लॉग इसलिए डालता हूँ क्योंकि यार डेली ब्लॉग्स मेरा देखेगा कौन, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं डेली अगर ट्रैवल वीडियोज़ डालूँगा तो जो लोग ट्रैवलर्स हैं या जो जो ऐसा जर्नी या इस तरह का देखना पसंद करते हैं या खुद करना पसंद करते हैं उनको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। बहुत लोग मुझसे कहते हैं तुम इतना रोड क्यों दिखाते हो, कई बार मैंने बोला भी है अपने ब्लॉग्स में, लेकिन देखो ये रोड को कौन ना दिखाए, ये देखो सामने देखो ये रोड, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नहीं रोशन, नहीं अच्छा लगा मुझे ये रोड। लेकिन मुझे मालूम है यार कि जिसको जो नेचर लवर है ना, जो मतलब जिसको अच्छा लगता है ये इस तरह के सड़क पर चलना, इसको ज़रूर अच्छा लगेगा। बड़ी मुश्किल से मैं ये कवर कर पाता हूँ, मेरे भी अपने चैलेंजेस हैं आज, क्योंकि बिल्कुल अकेले बैठा हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, सिर्फ आप ही लोग हैं बात करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ मेरी भी लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को खत्म करके ये भैया हाथ दे रहे हैं, इनको बिठाए नहीं बिठाए, बिठाए नहीं बिठाए, बिठा रहे हैं। किधर भैया, कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा लंगो, हाँ लंगो से आगे जाना भैया। ठीक है ठीक है, अरे बस छूट गई सर, बस छूट गई। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या करते हो आप लोग? हम होटल में। कौन से होटल में? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में? हाँ जी। तो यहाँ कैसे आ गए? अब गांव आए ना। अच्छा, तो मतलब लमगांव तो क्या आपकी बस नहीं है? बस है, बस ही तो छूटी है। अच्छा, तो चंडीगढ़ से कहाँ तक आए? बस है। नहीं नहीं, आप लोग कहाँ तक आए चंडीगढ़ से? लोकल है। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन चंडीगढ़ से आपने बस ली होगी? हाँ हाँ। तो कहाँ की बस ली? बस तो यही की ली थी, वो पानी पीने उतर गए ना। अच्छा, उसको पता ही लगा और नीचे। अच्छा, ऐसे हो गया। अब उसमें बैग वो भी चले गए। अरे यार, फिर तो मैं जल्दी पहुंचना जरूरी है। लंगवा का नीचे से ना, नीचे ऊपर नीचे ही दिखा। नीचे नीचे। आप कहाँ से? हाँ, मैं तो भैया बाहर से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उत्तरकाशी से आ रहा हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ, ये लंगवा के आगे हमारे गाँव में। आप यात्रा पे निकल रहे हो? हाँ भैया। अच्छा, यात्रा तो वो ली, यात्रा तो नहीं नहीं निकले हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बस एक बार गंगोत्री जाने की इच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन हाँ ठीक है, गोमुख जा सकते हैं ना? जी गोमुख, हाँ आराम से जा सकते हैं ना। हाँ जी। तो गोमुख के लिए क्या पैदल जाना होता है? हाँ, आगे वहाँ से 18 किलोमीटर पड़ेगा। 18 किलोमीटर पैदल? पैदल तो ज्यादा पड़ेगा। रास्ते बने हुए हैं? रास्ते हैं वहाँ। अच्छा, तो अकेले मालूम चल जाता है किधर किधर से कैसे जाना है? कोई मिलता है वहाँ पे जाने के साथ? हाँ, बहुत जाते हैं। पहले हम वहीं रहते थे मंदिर में। अच्छा, नहीं मुझे बिल्कुल जहाँ से गंगा प्रकट हुई है ना वो जगह देखना है। अच्छा, गोमुख जाना आपने? के सामने झरना है ना? रुकना तो हमारे साथ चल, जो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो आप ही घर में रुक जाएंगे? हाँ जी। होम स्टे होगा कोई आगे कुछ, आगे क्या कहीं पे होम स्टे या कुछ रुकने का? अभी रुकने का तो आगे है, आपके गांव में, आपके गांव के आगे कहीं पे? हाँ, हमारे इधर कहीं मिल जाएगा तो रुक जाएंगे। जयपुर से आ रहा हूँ। राजस्थान। झुंझुनू कहाँ पे रहे थे? मतलब होटल में ही? प्रॉपर झुंझुनू। अच्छा, हाँ सिकर वाले, उसमें देहाट होटल है। अच्छा, टाइगर स्कूल के सामने, इधर गंगानगर, उधर गंगानगर में रह रहा हूँ, पंजाब की तरफ, पंजाब की तरफ। गंगानगर से पंजाब को बॉर्डर लगता है ना? हाँ हाँ, वहाँ पे महाराजा होटल। चंडीगढ़ कौन से होटल में? चंडीगढ़ जलंधर वाले। क्या करते हो वहाँ पे? तंबू लगते हैं।
तंदूर पे? तो तंदूर में सिर्फ रोटी बनाते हो या तंदूरी चिकन बनाते हो? सारे सारा बनता है, चिकन टिक्का मलाई भी। यार देखो यार, ये लैंडस्लाइड हुआ है ना, देखो टूट के गिरा हुआ है यहाँ पे। ये लगता है लैंडस्लाइड हुआ है, देखो टूट के गिरा हुआ है। रोड भी यहाँ पे बिल्कुल खराब है, ये कुछ गिरा हुआ है ऊपर से, पत्थर आया। मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैं गांव वाले रोड से आ गया। अच्छा। देखने को मिल रहा है ना ये सब चीजें। हाँ, ये चीज़। अगर मेन वाला रोड से आ रहा हो तो वो तो बहुत चौड़ा हो गया है। हाँ। वो रोड तो हर जगह दिखता है इस तरह का। ये गांव वाला रोड कहाँ दिखेगा कहीं वाला? ये वो हमारा वाला रोड और भी बेहतरीन लगेगा आपको। कौन सा रोड? आगे जो लमगांव ना, लमगांव के आपको नहीं, मुझे सारे सारे बेहतरीन लग रहे हैं। हां, उधर से और भी अच्छा रोड है लमगांव के बाद। हां, अच्छा अच्छा, आप लोग लमगांव उतरोगे ना? लमगांव से आगे जाएंगे। अच्छा, आगे उत्तरकाशी जाती है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था? जंगल में आग लग गया था पूरा? क्या क्या वो तो बारिश हुई तब बुझ करके हो गया। बारिश हुई तब बुझ रही, तो बुझा ही नहीं। नहीं बुझे तो मतलब ही नहीं बनता। तो जंगली जानवर तो मर गए होंगे? मर गए थे। वो पानी की तरफ भागते ना जब वो तेज होते। तो जंगली जानवर क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे शेर, शेर मतलब टाइगर, टाइगर इसमें थोड़ी है, इस वाले जंगल में है। इसमें है हमारे में। तो ये जंगल कौन सा कहलाता है, जिम कॉर्बेट वाला या राजा जी वाला, कौन सा ये? टाइगर है या वो तेंदुआ है? गुरनार क्या बोलते हैं, गुलदार? हाँ, गुलदार है और ये तेंदुआ भी होगा। तेंदुआ गुलदार तो एक ही हुआ ना? नहीं, गुलदार अलग होता है। अलग गुलदार अलग होता है ना, चीता होता अलग। चीता गुलदार वो तेंदुआ एक ही है, और शेर नहीं होते इधर। हाँ, टाइगर नहीं है ना यहाँ पे। फिर जैसे क्या बोलते, मृग हो गए, हिरण वगैरह, जंगली सुअर। अब भालू? भालू भी होते हैं। भालू है तो आते हैं कभी रोड पे? इधर नहीं आएंगे, हमारे इधर ना आगे आगे गांव की तरफ, गांव के पास आ जाते हैं। कुत्ते उत्ते लेने आते होंगे? नहीं ले जाता था। अच्छा, दिन में क्या जानवर लोग हो? हमारे जब दादा दूधा बोलते थे ना, मतलब इनको मवेशियों को। हाँ, दिन में ही। तो पहले क्या लोग कम, जंगल ज्यादा था ना? हाँ, अब तो बेचारे जानवर भी कम हो गए। बहुत डेवलप हो गए, मतलब बाहर के लोग